हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। आज है अक्टूबर की 5 तारीख और आज मैं अपडेट दूंगा। मैं जो क्रिसेंथेमम के कटिंग्स ग्रो किया था आज से 15 दिन पहले, उसका अपडेट शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए आज कितने सारे फूल खिले हैं मेरे गार्डन में। यहाँ पर बहुत सारे एलामंडा खिला है, येलो वेराइटी, और यहाँ पर सामने भी है एलामंडा के छोटे देसी वाले वैरायटी, जिसका साइज़ थोड़े से छोटे होते हैं और लीव्स भी बहुत ही छोटे साइज़ का होता है। इसके अलावा यहाँ पर है ओलियंडर के प्लांट, कितना सुंदर देखिए कलर में फ्लावरिंग कर रहा है। टिकोमा के प्लांट भी फ्लावरिंग करना शुरू किया है दोबारा, येलो वैरायटी है टिकोमा के। और बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं, गुच्छों में फ्लावरिंग होता है, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ पर है हिबिस्कस के वाइट वैरायटी, और वहाँ पर है प्लूमेरिया एल्बा, और यहाँ पे है एलामंडा के लाइट रेड वाले वैरायटी, मतलब लाइट पिंक भी कह सकते हैं आप। इन सब के अलावा वहाँ पर है मैंडीविला के प्लांट जो वाइट कलर में अभी फ़िलहाल फ्लावरिंग कर रहा है। तो कुल मिला के बहुत सारे फूल खिले हैं मेरे गार्डन में। और यहाँ पर जो एक हिबिस्कस के वैरायटी है जो फ्लावरिंग करना शुरू हुआ है, ये इसका लीव्स जो है वो मैपल लीव्स की तरह है देखने में, और फूल जो खिला है देखिए डीप रेड मतलब मेरून कलर में, ये फिलहाल अभी फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत अच्छा ग्रोथ है प्लांट का। और कुछ दिनों में और भी सारे बहुत सारे फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगा। और इन सब के अलावा वहाँ पर है हिबिस्कस के एक पिंक वाले वैरायटी, ये भी फ्लावरिंग करना शुरू हुआ है, कटिंग से मैं ग्रो किया था। तो मैं शेयर करने वाला हूँ मेरे जो कटिंग ट्रे है क्रिसेंथेमम कि मैं कटिंग किया था, वो देखिए वहाँ पर एक कोने पे रखा हुआ है ताकि इसके ऊपर दिन भर की तेज़ धूप ना मिले, क्योंकि ऊपर है आम के प्लांट, देख सकते हैं आप आम्रपाली आम के प्लांट है, उसके नीचे रखा हूँ। और अभी मैं इसे निकालकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसमें रूटिंग हुआ है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं 15 दिन के अंदर क्रिसेंथेमम प्लांट पर रूटिंग हुआ है कि नहीं। और इससे पहले मैं बता दूं इसकी कटिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। अगर आपके पास पुराने प्लांट है तो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, चाहे तो आप देख सकते हो। और अभी देखिए मैं कैसे कटिंग किया था, वो भी मैं थोड़ी बहुत शेयर कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैं इसे निकाल कर लाया हूँ जहाँ पर था वहाँ से, और देखिए इसका ग्रोथ शुरू हो चुका है क्योंकि नए नए से लीव्स और देखिए ब्रांचेस निकल कर आना शुरू हुआ है, इसका मतलब है रूटिंग हो चुका है। जितने सारे मैं कटिंग लगाया था उनमें से लगभग सभी कटिंग जर्मिनेट हो चुका है। मैं 3 इंच के आसपास कटिंग लगाया था और अभी जो कटिंग है देखिए ऑलमोस्ट 5 से 6 इंच के आसपास हो चुका है। आपको वीडियो पे शायद पता नहीं चल रहा होगा लेकिन इसका हाइट इंक्रीज तो हुआ है, और अभी निकल कर देखते हैं कितना इसमें रूटिंग हुआ है। तो यहाँ से एक निकाल लेते हैं और ये देखिए, तो देखिए रूटिंग कितना सुंदर हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा रूट्स निकल कर आए हैं। और मैं देखिए सिर्फ सैंड के अंदर ग्रो किया था, ना ही रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया था और ना ही किसी प्रकार अलग से खाद का इस्तेमाल किया था, और ना ही मैं सॉइल में कटिंग ग्रो किया था, सिर्फ सैंड के अंदर कटिंग ग्रो किया था। और देखिए कितना सुंदर इसका रूटिंग निकल कर आए हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो इस तरह आप भी बहुत ही आसानी से क्रिसेंथेमम जैसे प्लांट्स की, मतलब विंटर सीजन में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट जैसे कि डहलिया, मैरीगोल्ड, क्रिसेंथेमम, डायनथास जैसे बहुत सारे प्लांट हैं जिसे आप अपने पुराने प्लांट से बहुत सारे कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो ये अभी काबिल है, मैं इसे रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। तो ये था मेरा आज का अपडेट क्रिसेंथेमम प्लांट के ऊपर। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगा कि कैसे कब इसकी ऊपर की साइड से पिंचिंग करना है, किस तरह से करना है ताकि
प्लांट पे बहुत सारे फ्लावरिंग हो और आपको बहुत सारे फूल मिल सके। तो फ्रेंड्स, मेरा ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।